इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। आज मैंने हमीरपुर नगर परिषद मुख्यमंत्री के पास जाकर कांग्रेस ज्वाइन की। मैं कांग्रेस इसलिए नहीं ज्वाइन की कि मतलब जो ये लोग जो हमारे बीजेपी में आए हैं तो ये लोग किस कारण आए हैं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे जिले के हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे जिले का बना रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछली मैंने सन 2018 में शायद मैं गुजरात गया था, तो उस टाइम मैं वहां पे गया था। वहां पे कुछ लोग मेरे को पूछने लगे कि आप किस जिले से हैं, तो मैंने उनसे बात की थी, मैं हमीरपुर जिले से हूँ। जब उन्होंने हमीरपुर का नाम सुना तो वो हैरान परेशान हो गए कि यार आप लोगों ने अपना मुख्यमंत्री हरा के रख दिया। तो हम इस चक्कर में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हम अपने मुख्यमंत्री को यहाँ से हमीरपुर से नहीं जाने देंगे, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। भाजपा में लगातार मैं पिछले 2-3 महीने से बता रहा हूँ कि कोई भी हमें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा था, ना मैं कोई पूछ रहा था। आज भी भाजपा की मीटिंग थी, जो इनका गांधी चौक पे प्रचार था, जो भी कुछ था, तो किसी ने भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया। इस कारण मेरे को मतलब ऐसा फील हुआ कि जब जहां हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हम क्यों भाजपा में। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता, मैंने उसके बाद शायद मैंने इसमें सोशल मीडिया में भी डाला था, जो पुराने कार्यकर्ता इतने साल से वो काम कर रहे थे उनको नजरअंदाज करके इन नए बंदों को टिकट दे दिया गया, तो वो क्या डंडे और झंडे उठाने के लिए है? और दूसरी बात, मैं धरनी और कुर्सियां बिछाने के लिए उनको कोई चांस नहीं मिलेगा। जिस कारण मैंने ये भाजपा को मेरी तरफ से समझ में नहीं आता कि भाजपा का जो दिग्गज नेता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका इसमें कोई दो राय नहीं है। धूमन परिवार को बिल्कुल साइड लाइन में रखा जा रहा है। अगर धूमन परिवार इस वक्त धूमन परिवार के सुनते तो शायद हमारे जो पुराने कार्यकर्ता है उनको आगे लाने के बजाय, और पार्टी का मतलब ये है कि अगर इन्होंने भाजपा ज्वाइन की तो इनको मतलब एक अलग से अहदा दिया जाता, ना कि डायरेक्ट इनको टिकट दे दिया जाता।